हम बात करने जा रहे हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT। MOT का मतलब मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। पॉइंट सिंपल सा था, कोई ज़्यादा खास नहीं था। वेस्पर थ्योरी मुझे एक मैथमेटिकल थ्योरी पे कंसल्ट करने की कोशिश कर रही थी कि सब बिना मैथ्स के काम हो रहा था। ठीक है, दो ऑर्बिटल ओवरलेप कर रहे थे मॉलिक्यूल के अंदर और हम बात बना रहे थे, लेकिन MOT ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ज़्यादा मैथमेटिकल है और तरीके से बात करती है। वो ये कहती है, क्या कहती है उसको एक एक करके हम लिख रहेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट यानी कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिए फर्स्ट पॉइंट ये था। लेकिन उससे पहले मैं कि फर्स्ट पॉइंट लिखा हूँ, आपको ये समझा देता हूँ वेस्पर थ्योरी के ड्रॉबैक क्या थे। एक ऐसी थ्योरी जो सिर्फ प्रैक्टिकल बेस के डाटा से तैयार की गई थ्योरी थी, वो कई जगह एक्सेप्शंस क्रिएट किए जा रही थी। हम उससे बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पा रहे थे, कई जगह हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं होता, हम बताने की कोशिश कर रहे थे। बॉन्ड एंगल भी कई जगह हम एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे थे। डायपोल मोमेंट भी हमारा सही नहीं आ रहा था। मैग्नेटिक मोमेंट तो कई जगह हमारा सही आ ही नहीं रहा था। जैसे O2, हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे थे उसमें वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग? जीरो। लेकिन प्रैक्टिकल किया तो कितना आ रहा था? टू। यानी वो एक पैरा मैग्नेटिक है। कौन? O2। तो उसी दिन समझ में आ गया कि साइंटिस्टों को कि एक और काम मिल गया, एक ऐसी थ्योरी देनी है जिससे जिससे O2 मॉलिक्यूल पैरा मैग्नेटिक आ जाए। बस तो सब मेरे पास आ गए। थ्योरी किस तरह से दिया देखिए। सबसे पहला कंसेप्ट ये था कि मैंने वेस्पर्ड को MOT थ्योरी से बिल्कुल अलग डिजाइन किया, बिल्कुल, और अलग तरह से सोचना शुरू किया। यानी इसके अंदर सबसे पहला काम ये था, सारे ऑर्बिटल मिलते हैं। वेस्पर्ड में सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल ही मिल रहे थे, मिक्स हो रहे थे, हाइब्रिड हो रहे थे। यहां सारे ऑर्बिटल यानी कि ऑल ऑर्बिटल ऑफ मॉलिक्यूल्स आर मिक्स टूगेदर इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल MOT में। यानी बहुत अच्छा पॉइंट जो हमारे निकल के आ रहा था, व्हेन एटम्स कन्वर्ट इन मॉलिक्यूल, ऑल ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स्ड ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑल एटम्स मिक्स्ड टुगेदर एंड जनरेट न्यू मॉलिकुलर ऑर्बिटल, या न्यू ऑर्बिटल हम बोल सकते हैं, कॉल्ड मॉलिकुलर ऑर्बिटल, न्यू ऑर्बिटल कॉल्ड मॉलिकुलर ऑर्बिटल, मॉलिकुलर ऑर्बिटल। यानी अभी से पहले हमारे पास एटम्स हुआ करते थे, एटम्स में एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं और मॉलिक्यूल में मॉलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं। तो मैं आपके साथ फिर आ रहा हूं, ये एटम्स है, मॉलिक्यूल बन रहा है। मॉलिक्यूल दो तरह से बनता है, एक वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। एटम्स के अंदर कौन से ऑर्बिटल होते हैं जल्दी से बताएं? एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। जबकि यहां कौन से होते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और मॉलिकुलर ऑर्बिटल में यही एटॉमिक ऑर्बिटल किसमें कन्वर्ट होते हैं? मॉलिकुलर ऑर्बिटल। सबने अलग अलग नाम दिया, लेकिन ये दोनों थ्योरी क्योंकि बनती तो एटम से ही मॉलिक्यूल है, तो यहां क्या हो रहा है? एटॉमिक ऑर्बिटल किसमें चेंज हो रहे थे? हाइब्रिड ऑर्बिटल में। यहां ऐसा बताया जा रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल किसमें चेंज हो रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। समझ में आ रही है बात? तो दोनों अलग है। बहुत अच्छे से आप जानते हो एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे थे, S P
हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल sp, sp2, sp3, sp3d, इस तरह से नाम। इनके नाम अभी हम नहीं रख रहे क्योंकि हमें आगे पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं ये सिग्मा और पाई में कन्वर्ट हो रहे हैं, मॉलिकुलर ऑर्बिटल। समझ में आ रही है बात? तो अगला आर्टिकल जो हमारे पास बन के आएगा मॉलिकुलर ऑर्बिटल किस तरह से बन रहा है, तो सेकेंड पॉइंट हो रहा है मॉलिकुलर ऑर्बिटल, मॉलिकुलर ऑर्बिटल, मॉलिकुलर ऑर्बिटल, मॉलिकुलर ऑर्बिटल आर मोर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। मॉलिकुलर ऑर्बिटल के बारे में मैं बोल रहा था, बहुत इजी है। सेकेंड पॉइंट जो हमारे पास बनेगा मॉलिकुलर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, मैं ऐसा बोल रहा हूं। तो पहले तो ये समझिए कि हो क्या रहा है यहां पर। आप जानते हैं और कोई भी हो, इलेक्ट्रॉन वो एक ऑर्बिटल में रहता है और इलेक्ट्रॉन की एक वेव नेचर होती है जो उसके ऑर्बिटल से ही जनरेट हुई है। समझ में आ रहा है? तो सिंपल सा है कि अगर हम बात करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल की, तो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल का जो वेव नेचर होगा, तो ऑर्बिटल का मतलब उस वेव से चल रहा है हमारे लिए, ये हमारे लिए हो रहा है। और ये मैंने बोल दिया साई ए, क्या बोल दिया ये मैंने, साई ए। समझ में आ रहा है? और दूसरा हमारे लिए साई ए का मतलब मैंने एम्पलीट्यूड के डायरेक्शन को शो करने की कोशिश की है शायद साई ए से, ठीक है ना। दूसरा हम और ले रहे हैं जो उसी डायरेक्शन में आ रही है और पहले से बड़ी है, तो वो मैंने ले लिया साई बी। तो जब ये दोनों वेव्स मिलेंगी तो क्या होगा उस कंडीशन में, साई ए प्लस साई बी, तो आपको क्या लग रहा है इन दोनों से बड़ी वेव नहीं बनेगी, और भी ज्यादा बड़ी वेव बनेगी। तो हमारी वेव अब इन दोनों का समेशन बनेगी। आ रही है बात समझ में? तो ये बड़ी वेव क्या होगी, साई ए प्लस साई बी, और ये रिजल्टेंट वेव कहलाएगी आपके लिए साई रिजल्टेंट। एक बार और समझें इस चीज को। इसमें मैथ्स बहुत अच्छे से यूज किए। इस थ्योरी का ये कहना है, क्या कहना है ध्यान से सुनिएगा, कि जब एक ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल है और एक दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो जो रिजल्टेंट मॉलिकुलर ऑर्बिटल है वेव फंक्शन रखेगा, वो इन दोनों का समीशन हो रहा है अगर सेम डायरेक्शन में आ रही है तो। समझ में आ रहा है? जिसको आप रिजल्टेंट बोलने की कोशिश कर रहे हो, इज दैट क्लियर? तो यहां साई ए प्लस साई बी की वैल्यू आपके लिए क्या हो जाएगी, साई मॉलिकुलर ऑर्बिटल वेव या रिजल्टेंट। समझ में आ रहा है? और इन दोनों को मैं मिलाने की कोशिश कर रहा हूं, तो रिजल्टेंट जो बनेगी आपके पास, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। इस तरह से जाएगा हमारे पास, तो ये हमारे लिए एक तरह से क्या हो जाएगा साई ए, ये साई बी वैल्यू, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा साई रिजल्टेंट। एम्पलीट्यूड वेव्स बनाए इसको। तो जब हमारे पास ये दोनों मिल रही है वेव्स, तो हम इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। कैसे? मैं पहले वेव्स को बना लेता हूं। एक वेव हमारी पास इस तरह से जा रही है, ठीक है, दूसरी वेव हमारे पास इस तरह से जा रही है, तो रिजल्टेंट जो एनर्जी डायग्राम बनेगा वो हमारे पास कुछ इस तरह का बनेगा। इस तरफ का हटा दूं,
तो हमारे पास रिजल्टेंट जो बन रहा है, इसको एक तरीके से हम ऐसे बनाए तो ज्यादा सही रहेगा। और वो हमारे पास बन रहा है इस तरह से। ये कैसे हमारे पास बन रहा है, इसको डॉटेड में ले रहा हूं। तो हमारे पास ये जाएगा साई ए प्लस साई बी की एम्पलीट्यूड वेव। अगर दोनों वेव इस तरह से मिल रही है तो नेट वेव हमारे पास यहां बनेगी इस तरह से। ना बेटा भाई, ये साई ए है, साई बी है और ये रिजल्टेंट है। यस और नो? आपको याद है हमने एटॉमिक ऑर्बिटल में बहुत अच्छे तरीके से बना था, पढ़ा था कि ये हमारे पास एम्पलीट्यूड को बताता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है? साई स्क्वायर। तो अगर आप इसको स्क्वायर कर रहे हैं तो ये वाला पोर्शन भी आपके पास कहाँ जाएगा? ऊपर। स्क्वायर करना है, यहाँ पर स्क्वायर लिखना रह गया। तो यहां अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो ये वाला पोर्शन भी आपके पास कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ये आपके पास कहीं ना कहीं इस तरह की वेव्स दिखाई देगी। समझ में आ रहा है? तो ये तो है एम्पलीट्यूड कर्व, ये है आपका प्रोबेबिलिटी कर्व। क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी कर्व। क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी कर्व मिलने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। नहीं बेटा देखो, यहां पर एक बार और आप समझ लो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ये है साई ए, ये है साई बी और ये है हमारे लिए साई ए प्लस साई बी। हाँ या ना? अब इसका स्क्वायर करना है तो पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली पोर्शन भी आपको ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन आपको कुछ इस तरह का मिलेगा कि प्रोबेबिलिटी आपको इस तरह से आपको दिखाई दे रही है। एक्चुअल में हो ही रहा है ये डिस्टेंस फैक्टर में। आपको बिल्कुल सही है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल वैसा क्यों जा रहा है, ठीक है ना? तो यहां जो रिजल्टेंट आएगा वो आपके पास आएगा साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस साई ए प्लस साई बी। तो वो एग्जैक्ट वैसा नहीं जाएगा जैसा आप सोच रहे हैं। रिजल्टेंट कुछ इस तरह का जाएगा आपके, नहीं वेक्टर की तरह समेशन करना पड़ेगा आपको स्क्वायर के लिए। बिल्कुल, और ये स्क्वायर के लिए भी कर रहा हूं मैं। अब सही है रिजल्टेंट? तो कुछ मिला के आपके पास इस तरह की वेव्स क्रिएट हो रही है और ये इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशंस। तो पूरा पॉजिटिव रहेगा आपका। आप ऐसे समझिए बेटा, देखो ये है एम्पलीट्यूड कम का समेशन, ठीक है, और ये इन दोनों का स्क्वायर करके ट्वाइस ए भी करके आपने ये बनाया है। डायरेक्ट उसका स्क्वायर नहीं करा आपने, समझ रहे हैं आप? यानी साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस साई ए प्लस साई बी की वजह से बनेगा ये। कोई डाउट नहीं है? तो वो कर्व रहेगा पॉजिटिव में, वो कर्व रहेगा पॉजिटिव में, इस तरह से आएगा आपके पास। अब आता है आपके पास दूसरी चीज, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? तो रहेगा वो पॉजिटिव। अगला कॉन्सेप्ट मैं फिर ले रहा हूं, ये तो रहा आपके लिए पूरा एक तरह से सेम फेज वाली वेव्स मिल रही है तो क्या रहेगा, लेकिन अपोजिट वेव्स वाली मिलेंगी, यानी अपोजिट फेज वाली मिलेंगी तो कैसे रहेगा? यहां सेम फेज, यहां पर आपका पॉइंट भी डाल दीजिएगा, सेम फेज वेव एडिशन, सेम फेज वेव एडिशंस। सेम फेज वेव एडिशंस, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? अब आगे अगला पॉइंट रहेगा अपोजिट वेव्स, इसी के अंदर सेकंड के अंदर ए पॉइंट और बी पॉइंट, अपोजिट वेव्स अपोजिट वेव एडिशंस, अपोजिट फेज वेव एडिशंस। अब आप खुद बताइए अपोजिट वेव्स हैं
हमारे पास किस तरह से दिखाई देगी उसके लिए, पहले तो अपोजिट वेव फेस आपको दिखाई कैसी देगी, देखिएगा ध्यान से, अपोजिट वेव फेस आपको इस तरह से दिखाई देगी। मान लीजिए ये आपके पास बड़ी वेव है साई ए और ये छोटी वेव है, सही है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है, किस तरह से दिखाई देगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां आपके पास जो आ रहा है वो साई ए है, ये साई बी है, ये आपके पास एम्पलीट्यूड कर्व है, तो इन दोनों का जब एडिशंस करेंगे सिंपल एम्पलीट्यूड में, तो आपके पास बड़ा एम्पलीट्यूड में से माइनस करेगा तो नेट किस तरफ बनेगा, ऊपर ही, ये रहेगा आपका साई ए प्लस बी। या साई रिजल्टेंट, समझ में आ रहा है, ये रहा रिजल्टेंट आपका। अब बात आती है कि हमारे पास ये कौन सा रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है कि साई स्क्वायर रिजल्टेंट कैसे रहेगा, साई स्क्वायर ए प्लस साई स्क्वायर बी माइनस ट्वाइस ए साई बी चलेगा हमारा इस जगह, क्योंकि फेस अपोजिट है, समझ में आ रहा है। तो जब ये माइनस रहेगा, तो अब आपको मैं बताना चाहूंगा यहां पर ये वेव आपके पास जाएगी, रिजल्टेंट इस तरह से बनेगा, रहेगा पॉजिटिव में लेकिन पहले से छोटा बनाइएगा, चलिए ठीक है, खैर वो तो कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर होने की वजह से वो वापस हाइट ऊपर आ जाएगी, ये साई रिजल्टेंट स्क्वायर। फिर मैं बता रहा हूं ये चीज आपको बताएगी, वो बता रहा है एम्पलीट्यूड, ये बताएगा आपको प्रोबेबिलिटी, और ये आपको बताएगा एम्पलीट्यूड कर्व। एम्पलीट्यूड कर्व जबकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, पक्का? तो आप चाहें तो यहां पर ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप माइनस ही लिख दें, क्योंकि दोनों अपोजिट फेस में है और ये मोड में लग रहे हुए हैं एक तरह से, फिर कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, यानी ये हमारे पास मॉलिकुलर ऑर्बिटल वेव्स की प्रोबेबिलिटी कर्व है, समझ में आ रही है कि ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं तो किस तरह से हम उसे देख रहे हैं, हाँ या ना? अब आगे हटा दिया जाए ये पॉइंट, जल्दी से लिखें इसको, थोड़ा फास्ट करें साथ के साथ। यानी हम यहां पर ये बात कर रहे हैं थर्ड पॉइंट कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होके क्या बना रहे हैं, मॉलिकुलर ऑर्बिटल। बस फर्क क्या है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल आर मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर एटॉमिक और हाइब्रिड ऑर्बिटल।
बिकॉज इन मॉलिकुलर ऑर्बिटल, इन मॉलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन वेव इन्फ्लुएंस विद ऑल द न्यूक्लियाई ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन सिंपल वर्ड्स, ये हमारे लिए थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट। इन सिंपल वर्ड्स, इलेक्ट्रॉन रोटेट अराउंड मोर देन वन न्यूक्लियाई, मोर देन वन न्यूक्लियाई इन मॉलिकुलर ऑर्बिटल। वेयर एज इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड और एटॉमिक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन रोटेट अराउंड ओनली वन न्यूक्लियाई। तो ये हमारे पास बहुत अलग पॉइंट्स आ गया कि यहां पर इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा न्यूक्लियाई के चारों ओर रोटेट कर रहा है, जो कि हमें एटॉमिक ऑर्बिटल में नहीं देखने को मिल रहा था। आपको मैं फिर कंपेयर यही कर देता हूं, ये है पी ऑर्बिटल, तो ये एक ही न्यूक्लियस है। ये है एस पी ऑर्बिटल हाइब्रिड पक्का। और मॉलिकुलर ऑर्बिटल की बात करूंगा तो ये कैसे बन रहा है बात अलग है, लेकिन दो दो न्यूक्लियाई आएंगे। ये न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई को आप चाहो तो ऐसे शो कर दो प्लस बना के, यहां ये है। तो बताओ इस इलेक्ट्रॉन वेव पर कितने न्यूक्लियस का इफेक्ट दिख रहा है, वन, यानी इलेक्ट्रॉन, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल, पहले लिखो एटॉमिक ऑर्बिटल, इसको लिखो हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये है हमारा मॉलिकुलर ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कितने न्यूक्लियाई के अराउंड आ रहा है यहां पर, इस जगह इलेक्ट्रॉन रोटेट अराउंड वन न्यूक्लियाई, यहां पर इलेक्ट्रॉन रोटेट अराउंड वन न्यूक्लियाई, यहां क्या लग रहा है आपको, टू इलेक्ट्रॉन रोटेट अराउंड टू न्यूक्लियाई। हमारा क्वेश्चन अगला बन जाएगा नेक्स्ट पॉइंट पे, फोर्थ ही है हमारा। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास क्या बन रहा होगा दिमाग में कि हाउ कैन जनरेट मॉलिकुलर ऑर्बिटल, इसी को हम देखते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे हेडिंग लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी,
मॉलिकुलर ऑर्बिटल, जनरेट बाय लीनियर कॉम्बिनेशंस, ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ अप्रॉक्सीमेट सेम एनर्जी, सेम एनर्जी, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को हम बोलेंगे यहां पर लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एल सी ए ओ, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो हम कुछ स्पेशल तरह के ऑर्बिटल मिक्सिंग को यहां पढ़ने जा रहे हैं, समझिएगा बात को। डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल नेक्स्ट टाइम होगा हमारा, डिफरेंट टाइप ऑफ, डिफरेंट टाइप ऑफ, टाइप्स ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं एसएस मिक्सिंग, इसमें फर्स्ट हमारे पास चलेगा एसएस मिक्सिंग, समझ में आ रहा है। एसएस मिक्सिंग दो तरह से हो सकती है, पहला साई ए प्लस साई बी टाइप, यानी दोनों सेम वैसे हो। तो देखिए पहले तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है। यहां जो वेव नेचर है वो कौन सी है हमारे लिए, साई प्लस, प्लस का मतलब सेम डायरेक्शन में, और यहां पर भी मान लिया साई प्लस, सेम डायरेक्शन यानी सेम डायरेक्शन एम्पलीट्यूड वेव। जब ये दोनों मिलेगी तो हमारे पास रिजल्टेंट वेव कैसी बनेगी, कैसा ऑर्बिटल बनेगा। मैंने आपको अभी हाल बताया था कि ये हमारे को ऑर्बिटल जब बनाना है तो दोनों मिक्स हो जाएंगी आराम से, तो कुल मिला के हमारे पास ऑर्बिटल कुछ इस तरह का बनेगा। क्या ये आसानी से मिल सकती है, हाँ समझ में आ रहा है। ये जो मिक्सिंग करके आप ऑर्बिटल बनाते हो शेप, ये हमेशा साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस साई ए प्लस साई बी कर रहे हो, आप फैक्टर तरह से मिला रहे हो आप। तो मिलने की प्रोबेबिलिटी इस जगह सबसे ज्यादा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, इज मैक्सिमम इस जगह आपके पास सबसे ज्यादा होगी। तो ये जो प्लेन होगा, ये जो आपको प्लेन दिखाई दे रहा है बीच में, इसको आप क्या बोलोगे, नोड या एंटी नोड, जल्दी से बोले, इसको बोलेंगे एंटी नोड, एंटी नोड। एंटी नोड का मतलब होता है जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड, पूरा नाम लिखना चाहते हो तो वही लिखो, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन।
जहां ये मैक्सिमम होती है उसे हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट, उस प्लेन को हम क्या बोलेंगे, एंटी नॉट। और जहां मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाती है उसे क्या बोलते हैं, नॉट। नहीं देखिए, यहां से चलो आप धीरे 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 ये बढ़ेगी और फिर सेंटर पे जाके बढ़ने के बाद धीरे धीरे कम होगी और यहां पर आते आते ये बहुत कम हो जाएगी। क्या इसके बाद भी मिलेंगे? हाँ, ऑर्बिटल की डेफिनेशन ही है द स्पेस या प्लेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अप्रॉक्सीमेट 95%, यानी 95% इलेक्ट्रॉन को क्लाउड को जो कवर कर ले एरिया वो ऑर्बिटल होता है। तो 5% उसके बाद भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन मिलने का प्रॉपर्टी, वो बाद में होगा है। समझ में आ रहा है? ये मत सोचना कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमने लग गया, नहीं, बस फैला हुआ है वो इलेक्ट्रॉन, यानी मिल सकता है यहां पर, यानी अगर वो इलेक्ट्रॉन पूरी जगह मिल सकता है वो इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब उस पर इसका भी इफेक्ट होगा और इसका भी होगा। सपोज वो इधर मिलता है और इधर नहीं मिलता, वही इलेक्ट्रॉन, सेम एक ही इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब इस पे डिपेंड करता है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। वो अगर इस तरह से होता तो इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ किसका इफेक्ट होगा, इसी न्यूक्लियस का। लेकिन वो क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल बहुत बड़ा है, इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी जा सकता है, यहां उसके मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यहां कम है, यहां कम है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब यहां ज्यादा है, इसका मतलब ये उसके लिए क्या है, एंटी नोड। मतलब ये मान के चलिए कि हमारा एक जंगल है, ये जंगल है, और हमारा जो शेर है वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है वो शेर है, वो यहां मिलने की प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा है, जंगल यहां खत्म हो जाता है, तो क्या जंगल के बाहर नहीं आ सकता? आ सकता है, लेकिन जंगल के बाहर आने की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, बहुत ही कम, 10 to 5%। जंगल में रहने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी उसकी, 95%। तो ये जंगल की बाउंड्री है। समझ में आ रही है बात? तो मैक्सिमम उसका यहां रहना है, यानी कि उसके रहने की जगह यहां है, तो यहां सबसे ज्यादा मिलने की प्रॉबिलिटी है, तो वो एंटी नोड हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, अट्रैक्शन को नहीं देखते प्रॉबिलिटी में, वो सिर्फ एक रोल है। इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रॉबिलिटी में बहुत सारे फैक्टर आते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी वेलोसिटी, सब आता है। कहीं उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तेजी से निकल जाएगा वहां से। तो केवल एक फैक्टर से आप नहीं बता सकते, तो आपको बहुत ज्यादा अभी वेव नेचर में नहीं जाना है, लेकिन थोड़ा बहुत तो जाना है कि यहां मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ये मैंने बताया एसएस मिक्सिंग, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, पक्का। अब दूसरा भी एसएस मिक्सिंग करेंगे, और दूसरा एसएस मिक्सिंग हम इस तरह से करेंगे कि हमारी वेव मिल रही है, हम अगली बार जो एसएस मिक्सिंग करेंगे इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट फेज वेव, एसएस मिक्सिंग ऑफ सेम फेस वेव, अंतर है, समझ में आ रहा है? तो अपोजिट फेस वेव में किस तरह से होगा, साई ए माइनस साई बी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, एक प्लस फेस है और एक माइनस फेस है। तो किस तरह से होगा हमारे पास, मान लीजिए ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये दूसरे का न्यूक्लियस है, लेकिन अंतर क्या है कि ये हमारे पास साई प्लस है और ये साई माइनस है। अब ये एक दूसरे में मिक्स होंगी क्या? नहीं, अपोजिट फेज वेव्स नहीं मिक्स होंगी। तो ये जो हमारे पास होगा, ये पूरा क्लाउड क्या हो जाएगा, भागेगा उस तरफ की तरफ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी अपोजिट फेज होने की वजह से। तो मैं इसको अलग से बना रहा हूं, ये यहां न्यूक्लियस है और यहां न्यूक्लियस है हमारे, तो यहां पर मिलने की प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकली हम प्रूव करते हैं, हम प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हैं, जीरो। यहां जीरो होगी तो इसको क्या बोलेंगे, नॉट।
नॉट की क्या डेफिनेशन होगी इस जगह? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो, इज जीरो, पक्का। तो यहां हमारे पास एक साई प्लस है और एक हमारे लिए क्या है, साई माइनस, नॉट जनरेट हुआ है। अब क्योंकि यहां हमारे पास इजीली मिक्सिंग हो रही है, तो ये हमारे लिए कहलाएगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्या कहलाएगा ये हमारे लिए? बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये क्या कहलाएगा हमारे लिए? बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? एंटी बॉन्डिंग ऑन टिप। एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। हमारे लिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल को हम क्या नाम देंगे? सिग्मा एस एस, और यहां सॉरी सिग्मा स्टार, और यहां हम देंगे बॉन्डिंग ऑर्बिटल को सिग्मा एस एस, बॉन्डिंग को नॉर्मल और एंटी बॉन्डिंग को स्टार भी लगा देंगे, यहां स्टार नहीं लगाएंगे, सिंपल सिग्मा सिग्मा स्टार। देखो बेटा ये बात तो सही है कि हमें ये पूरा जो कंसेप्ट चल रहा है वेव मॉडल को, श्रोडिंगर वेव मॉडल को लेके फॉलो चल रहा है, ठीक है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन वेव का ऑर्बिटल नेचर पूरा बताने की कोशिश करते हैं, तो इतना आसान नहीं है जितना हमने बोर्ड पे मिक्सिंग कर दिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारे लिए आता है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर टोटल एनर्जी तो कंजर्व है, ये बात तो हम भी जानते हैं, लेकिन हर पॉइंट पर उसका मोमेंटम चेंज होता है। कौन सा? एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है, ऑर्बिटल मोमेंटम चेंज होता है। दोनों मोमेंटम चेंज होंगे या नहीं होंगे? होंगे। उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी कम होती है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी प्रोबेबिलिटी वो वेलोसिटी बढ़ेगी। और फिर हमने जब वेव्स इक्वेशन बनाते तो हम जानते हैं जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होती है वहां मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती जाएगी? धीरे धीरे कम। तो हमने उसको एजम्पशन मानते हुए एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई, उस मैथमेटिकल इक्वेशन में एक ना एक पॉइंट पे आगे क्या हो जाएगा? टेंस टू जीरो आ जाएगा। वो टेंस टू जीरो हमारे लिए मात्र एक पॉइंट होगा, इतना छोटा पॉइंट कि पॉइंट की क्या साइज होती है? कुछ भी नहीं, बस वो पॉइंट पे हमारा ये प्लेन है। और ये मैथमेटिकल बनते हैं, प्रैक्टिकल नहीं बन रहा है, पूरा मैथमेटिकल डायग्राम है, एनर्जीज को लिया है, प्रोबेबिलिटीज को मिलाया है और कंसेप्ट चले। बाकी मैं आपको मिक्सिंग को श्रोडिंगर में बताऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास दो ऑर्बिटल हमने मिलाए, किस किस को मिलाया? एस और पी को, सॉरी एस को अभी। तो अब हम पी की मिक्सिंग देखते हैं, पी पी मिक्सिंग इन सेम सेम फेस, बस इतना सा चेंज कर लो। पी पी मिक्सिंग को देखिएगा, ये हमारे पास आ गया पी पी मिक्सिंग इन सेम फेस। तो सेम फेस है हमारे पास, साई ए प्लस साई बी जाएगा। पी ऑर्बिटल कैसा होता है? दिस, यहां प्लस होता है, यहां माइनस होता है। अगर आप सेम फेस में मिक्सिंग कर रहे हो तो ये भी आपके लिए क्या हो जाएगा? प्लस, और ये क्या हो जाएगा? माइनस, पक्का। तो जब ये लीनियर कॉम्बिनेशंस होगा तो जनरेटेड ऑर्बिटल ये एक न्यूक्लियस रहेगा, ये एटॉमिक में यहां था यहां था, लेकिन जब मॉलिक्यूल बना है तो ये यहां है। मैं फिर बोल रहा हूं ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। एओ का मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, समझ में आ रही है? पक्का। तो हमारे पास इस जगह
ये क्या बन जाएगा, नॉट या एंटी नॉट? इसको हम किसके नाम से जानेंगे, सिग्मा पीपी, सही है। प्रोबेबिलिटी जितनी भी मतलब ये है बॉन्डिंग ऑर्बिटल होंगे, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, उसमें सबसे ज्यादा मिलने की प्रोबेबिलिटी कहां होगी, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ द एक्सेस ऑफ इस तरह से बोला जाए बिटवीन द न्यूक्लियस या सेंटर पॉइंट ऑफ द एक्सेस ऑफ न्यूक्लियस, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां आपके पास की पॉइंट जो मैंने बोला है, इन ऑल बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम एट सेंटर ऑफ सेंटर ऑफ मॉलिकुलर एक्सेस, ये मॉलिकुलर एक्सेस है हमारी, इस जगह कोई दिक्कत नहीं है। दो एटम हैं जो मिल रहे हैं, इस कारण दो न्यूक्लिया ही है, वो आ रहे हैं, आ रही है बात समझ में, हटा दूं मैं। तो सेम फेज के बाद अगला क्या होगा, अपोजिट फेज मिक्सिंग, अपोजिट फेज मिक्सिंग क्या बनाएगा, मॉलिकुलर ऑर्बिटल या एंटी मॉलिकुलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो यहां तो हमारा नाम था बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, बीएमओ, बीएमओ की फुल फॉर्म लिख लो, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। अब मिक्सिंग इन अपोजिट फेस सेकेंड आएगा इसके अंदर, पीपी मिक्सिंग इन अपोजिट फेस, तो हमारे लिए ये कौन सा हो जाएगा, साई ए माइनस साई बी। तो अब आप खुद ही बताइए अपोजिट फेस कैसा जाएगा, ये साई माइनस साई प्लस, साई माइनस साई प्लस। अब देखिए अपोजिट फेस आया है या नहीं आया, तो जब ये मिक्सिंग होगी तो आप खुद ही बताइए ये एक दूसरे से भागेंगे या जुड़ेंगे, भागेंगे। तो जब ये भागेंगे तो ये वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा, ये वाला पार्ट छोटा हो जाएगा, ये आपके पास यहां न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, पहले अपने आप में एक नोड हुआ करता था एक ऑर्बिटल में, समझ में आ रहा है। अब ये पूरा एक ऑर्बिटल है, ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा एक ऑर्बिटल है, आप इसको दो ऑर्बिटल मत बोलिएगा, इस ऑर्बिटल में आपको क्या बीच में नोडल प्लेन दिखाई दे रहा है, हाँ ये नोडल प्लेन है आपके पास, यानी नॉड हम बोल सकते हैं या नोडल प्लेन भी बोल सकते हैं, क्या पहले से ही थे, ये तो पहले से ही थे, ये मॉलिकुलर नोडल प्लेन हो गया आपके पास, इसको क्या नाम दोगे आप, सिग्मा स्टार, बस पीपी। पूरा नाम क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग
मॉलिकुलर ऑर्बिटल, शॉर्ट नेम क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ABMO। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास एक और यहां पर नोडल प्लेन बना है। तो आपको यहां पर क्या बोलना पड़ेगा इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल? ध्यान से सुनिएगा, इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज मिनिमम एट सेंटर ऑफ द मॉलिकुलर एक्सेस। उसका अपोजिट आएगा, हाँ, यहां हमारे पास पॉइंट बनेगा, आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं। क्या लिखोगे? इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट सेंटर ऑफ मॉलिकुलर एक्सेस इज जीरो, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी मिलने की? प्रॉबिलिटी जीरो। हाँ बोलो बेटा, कुछ पूछना है? यहां इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम एट सेंटर ऑफ मॉलिकुलर एक्सेस। अरे यार, वी नो दैट, ऐसा ही कुछ था, मिट चुका है। आप यह लिख लीजिए, इन ऑल बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, बस वी नो दैट इन ऑल बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी या इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग बोल सकते हो, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो। मैंने यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूज कर लिया, आप ज्यादा इजी लगता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लिखना। तो ये हमारे लिए पीपी मिक्सिंग हो गई इन अपोजिट फेज वेव्स। हटा दिया जाए, थोड़ा और हम आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, पीपी मिक्सिंग इन सेम फेस फॉर पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड मॉलिकुलर और एटॉमिक ऑर्बिटल, मॉलिकुलर ऑर्बिटल जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखिए ध्यान से, सेम फेस है, ये दोनों सेम फेस है, तो आप ही बताइए ये क्या हो जाएगा? प्लस, ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, समझ में आ रहा है? तो ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे? पूरी तरह से मिक्स होंगे तो हमारे पास ऐसा हो जाएगा। ये कहीं ना कहीं पॉइंट पे जरूर टच करेंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल ऐसे बना दिया, ये भी गलत है। ठीक है ना? तो जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस तरह से होगा, कुछ इसको इस तरह से भी बना देते हैं। ज्यादा सही लगता है, ठीक है? और ये हमारे लिए हो जाएगा
सिग्मा पी पी मिक्स, सॉरी पाई पी पी मिक्सिंग। तो ये जब भी सिग्मा और पाई दिखे तो ये हमारे लिए क्या होगा? मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो कहलाएगा, तो ये भी हमारे लिए क्या कहलाएगा? पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, पाई बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। पाई बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? पाई बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल थर्ड नंबर का लिख लीजिए यहां पर। सही है। अब फोर्थ नंबर पे अब आप क्या करेंगे? एंटी बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करेंगे पाई के साथ। फोर्थ पीपी मिक्सिंग, एन अपोजिट फेस फॉर पाई बॉन्ड बॉन्डिंग। तो पाई बॉन्डिंग के जो ऑर्बिटल्स हैं, जो परपेंडिकुलर हमारे लिए पाई बॉन्ड बनाएंगे, मॉलिकुलर एक्सेस के परपेंडिकुलर ऑर्बिटल हमेशा क्या बनाते हैं? पाई। तो वो कुछ इस तरह से होंगे। ये न्यूक्लियस है हमारा, ये न्यूक्लियस है, बस फर्क क्या है, ये प्लस है और ये यहां पर क्या है? माइनस। ये यहां पर माइनस है, ये यहां पर क्या है? प्लस। अब देखो क्या होगा, ये मिक्सिंग होगी क्या? नहीं, भागेंगे एक दूसरे से। तो किस तरह से बनाएंगे ये? तो हमारे लिए एक तरह से ये वाला नोडल प्लेन तो पहले ही सही था, एक और नोडल प्लेन जो क्रिएट हो रहा है वो ये है। तो जब भी एंटी बॉन्डिंग होगी एक नोडल प्लेन बढ़ जाएगा, नोडल प्लेन। सही है। प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, इसको आप क्या बोलोगे? जल्दी से बोल दिए, पाई स्टार पीपी। क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? ये आपने बहुत अच्छे से समझ लिया बहुत सारे पॉइंट्स। समझ में आ रहा है? तो अलग अलग तरह की मैंने मिक्सिंग आपको बताई, हाँ या ना? तो आपने मिक्सिंग कितने तरह की पढ़ी है? कितने तरह की पढ़ी है आपने? बहुत सारी तरह की हो गई। पी एस के अंदर दो, पी के अंदर चार, टोटल कितनी हुई? सिक्स, छह हो गई पक्का। अब अभी तक छह को आपने किस तरह से डिफाइन किया है? एक तो सिग्मा और पाई, एक करा है सिग्मा और सिग्मा स्टार, पाई पाई स्टार, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलते हैं और एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक और होता है वो होता है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो हेडिंग डलेगी अलग ही तरह से, फिफ्थ इसके अंदर नहीं, अलग ही टॉपिक डलेगा। कौन से नंबर का पॉइंट आ चुका था हमारा? पांच, वो भी पांच ही नंबर, पता? ये अलग है, जो हमारे मेन पॉइंट चल रहे थे ये सब पॉइंट्स है। पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मॉलिकुलर ऑर्बिटल क्या थे, देखो ध्यान से, चार या पांच है, ठीक है? तो फॉर्मेशन ऑफ ऑफ नॉन, सेवन है, फॉर्मेशन ऑफ नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। फॉर्मेशन
फॉर्मेशन ऑफ नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये अलग ही तरह का चलेगा। कैसे चलेगा ध्यान से सुनिएगा, मैं बात कर रहा हूं इन केस ऑफ एचएफ। एचएफ देखना यहां क्या दिक्कत है, एचएफ के अंदर एच हैज ओनली वन एस ऑर्बिटल, वन एस ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, वेयर एज फ्लोरीन हैव एस एंड पी बोथ टाइप ऑफ ऑर्बिटल ऑफ ऑर्बिटल। तो समझिएगा इसको, बहुत प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये हाइड्रोजन है, ये क्या है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो गया पक्का। अब ये हमारे पास क्या है, यहां तो हाइड्रोजन है हमारे पास, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास क्या है, आपके पास एस बी ए पी बी ए बहुत सारे हैं पक्का। तो मान लीजिए ये हमारे पास ऐसे है, सही है। और अब फ्लोरीन की बात करता हूं मैं, फ्लोरीन के पास ऐसा हो सकता है, ये सेम फेज में हुआ ये अपोजिट में, तो क्या ये मिक्सिंग होगी इस जगह। तो ये फ्लोरीन है, इसके पास ये कौन सा है, मान लीजिए ये एक्स एक्सेस ही है, तो ये जो एक्स एक्सेस है पूरी की पूरी, ये जो ओवरलैपिंग होगी पक्का, ये ओवरलैपिंग कौन सी कहलाएगी, बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग, क्योंकि अपोजिट फेस मिल रहा है, तो बॉन्डिंग कौन सी हो जाएगी, पहले बॉन्डिंग भी समझ लें इसके अंदर। यहां आपको समझ में आएगा कि एस और पी के कारण मिक्सिंग की वजह से भी हो सकता है, ऐसा नहीं है एस पी मिक्सिंग नहीं होती, ये एस और ये पी मिक्सिंग हो गया सेम फेज में। अरे यार ये रहा ना, ये सेम फेज साई प्लस और ये इसका साई प्लस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो बनेंगे पक्का, एटॉमिक ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन खाली है इसमें भी खाली है, ठीक है। कुछ इस तरह से भी बन सकते हैं हमारे पास ऑर्बिटल मिक्सिंग में, मैं वापस बना रहा हूं। ये अपोजिट कलर ले लिया मैंने पक्का, अब बताओ यहां एचएफ के अंदर कौन सा ऑर्बिटल बनेगा मिक्सिंग की वजह से, बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग ऑर्बिटल, क्योंकि दोनों सेम फेज में है। क्लियर है। अब अगला पॉइंट ले रहा हूं मैं एचएफ के अंदर, यहां जो मिक्सिंग होगी वो बनेगा ड्यू टू मिक्सिंग, यहां आपके पास बनेगा नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या बनेगा, नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, क्योंकि इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर रखा हुआ है, इसके पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, मिक्सिंग होने की कोशिश कर नहीं रहे पक्का, तो ये हमारे लिए कोई मिक्सिंग नहीं है इनडायरेक्टली, तो इससे ड्यू टू नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ड्यू टू नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल,
नो बेनिफिट नो प्रॉफिट नॉट लॉस, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, नॉट प्रॉफिट नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, कोई प्रॉफिट भी नहीं हो रहा कोई लॉस भी नहीं हो रहा। ये हमें वहां देखने को मिलेगी जहां एक स्पीशीज के पास ऐसे और दूसरे के पास बहुत ज्यादा पी है, समझ में आ रहा है? तो आपसे कोई पूछ नहीं रहा इसके बारे में ज्यादा। फ्लोरीन का ऑर्बिटल है, ये फ्लोरीन का है 2p ऑर्बिटल, और ये आपके लिए हाइड्रोजन का है। एस ऑर्बिटल, ये पूरा एक ही है। ऑब्वियसली ये अलग अलग कलर से बनाया है, तो मेरा ये कहने का मतलब है ऊपर अलग फेस है और नीचे अलग फेस है। स्पेरिकल ज्यादा दिख रहा है, तो एक काम करो छोटा बना देते हैं अब। सही, अब सही है। लिखें इसको, तो आपने ये देखा, क्या देखा कि अगर हमारे पास डाई एटॉमिक स्पीशीज है और दोनों होमो है तो कोई दिक्कत नहीं थी, मॉलिकुलर होमो है तो सेम ही है, सेम है तो सारे ऑर्बिटल एस एस वाले एस से मिल जाएंगे, पी वाले पी से मिल जाएंगे। लेकिन हिट्रो है और हिट्रो में भी एक के पास बहुत ज़्यादा पी ऑर्बिटल है, तो आपको नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी देखने को मिलेंगे। कहाँ देखने को मिलेंगे? हिट्रो के अंदर, होमो के अंदर नहीं मिल रहे आपको, हिट्रो में मिल रहा है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि पॉली एटॉमिक स्पीशीज में भी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे, जैसे मैं बात कर रहा हूं, एक बहुत अच्छा एग्जांपल लेके आता हूं आपके साथ, और वो है इसी के अंदर H3+। H3+ में भी आपको नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल देखने को मिलेंगे, H H H और एक के ऊपर प्लस है, यानी कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, मिक्सिंग ही नहीं होगी, ऑर्बिटल के साथ इलेक्ट्रॉन भी तो होना चाहिए। तो आप ही मेरे को बताइए कि यहां पर क्या हो रहा है। इस जगह आपके पास ये है पूरा क्लाउड है, और यहां जो भी मिक्सिंग हो रही है वो क्या हो जाएगी? नॉन बॉन्डिंग। तो ये हमारे बहुत ज्यादा सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमारे पास क्योंकि ऑर्बिटल नहीं है तो यहां पर भी एच प्लस के मतलब अपने आप में कुछ भी नहीं है, पूरी स्पीशीज हाईली अनस्टेबल होगी क्योंकि बॉन्डिंग एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है ढंग से। लेकिन हाँ, यहां हमारे पास हो सकता है वो क्या होगा, एक तरह से खाली ऑर्बिटल है हमारे पास बिना किसी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो हमारे लिए नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो जाएगा, नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ऑर्बिटल ही नहीं है उसमें, समझ में आ रहा है? तो आपको कहां देखने को मिलेगा नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल? एक तो H3+ में और एक दिख रहा है आपको HF में। तो आप यहां पर आप बोल सकते हो कुछ की पॉइंट में नॉन बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल फाइंड इन H3+ एंड HF। सेकेंड पॉइंट, इन H3+ वी गेट टू इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन है, टोटली दो इलेक्ट्रॉन है, एंड थ्री सेंटर, यानी दो मिला के टू इलेक्ट्रॉन, थ्री न्यूक्लियाई, बॉन्ड। इसको अगर एक तरह से पूरा एक स्पीशीज बताएं तो हमारे को क्या मिलेगा? दो इलेक्ट्रॉन है, टोटल दो इलेक्ट्रॉन है, एक इसके पास और एक इसके पास, लेकिन तीन सेंटर में घूमा हुआ है, जिसमें ये भी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और इस तरफ भी हमारे को क्या दिख रहा है? नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल।
दो इलेक्ट्रॉन है जो पूरे मॉलिक्यूल में रोटेट होंगे, तीनों न्यूक्लियाई के साथ अटैच होंगे, लेकिन इफेक्टिव बॉन्डिंग नहीं होने की वजह से इस तरह की स्पीशीज स्टेबल नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो ये हमारे लिए कहलाएगा नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग। पक्का? एक बार और मैं समझा रहा हूं कि ध्यान से सुनिएगा, दो इलेक्ट्रॉन है, एक इसका एच थ्री प्लस के अंदर, तो टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर बॉन्ड आपके अंदर कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? एच थ्री प्लस में भी मिलेंगे आपको, और नॉन बॉन्डिंग ओवरलैपिंग होगी जो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, इस कारण ये स्पीशीज अनस्टेबल है और आपको पढ़ने को नहीं मिलती है। कोई हमसे पूछ ले वाई एच थ्री प्लस नॉट एग्जिस्ट, हम बोल सकते हैं नॉट बॉन्डिंग ऑर्बिटल या ओवरलैपिंग। ठीक है, लिखे इसको। ये हमने बहुत सारी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग तीनों मॉलिकुलर ऑर्बिटल में देख लिया। अब बात कर रहे हैं मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर होमो न्यूक्लियस। लिखो, हेडिंग डाल लो, क्या हेडिंग डालेगा? मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर होमो न्यूक्लियाई, होमो न्यूक्लियाई डाई एटॉमिक स्पीशीज। कोई भी होमो न्यूक्लियाई कैसी होगी जिसमें होमो न्यूक्लियाई का मतलब हो गया जैसे एच टू प्लस, एन टू एन टू प्लस, ओ टू प्लस, इनके लिए बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर फर्स्ट केस हमारे लिए आएगा, ये हमारे पास हो गया एट्थ नंबर का पॉइंट, और इसके अंदर ले रहा हूं सबसे पहला एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ एच टू, एच टू सिंपल सा एच टू है। अब हाइड्रोजन एटम के बारे में जानते हैं? हाँ, आप ये जानते हैं ये हाइड्रोजन एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सा है? 1s में। कहां पर है? 1s में। दूसरा हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रॉन है, वो भी हमारे लिए यहां पर है 1s में। सही है। अब अभी तक हमारे लिए दोनों हाइड्रोजन एटम है और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और मुझे इनसे क्या बनाना है? मॉलिकुलर ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है? तो जब मॉलिकुलर ऑर्बिटल होंगे, पहले इसका नाम रख लो 1s 1s, ये कौन सा ऑर्बिटल है? एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये भी हमारे लिए क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल। 1s कैसा होगा? स्पेरिकल। ये भी कैसा होगा? स्पेरिकल। दोनों की मिक्सिंग हुई, कौन सा बनेगा? मॉलिकुलर ऑर्बिटल। मॉलिकुलर ऑर्बिटल हमने यहां बनाया, ये हमारे लिए मॉलिकुलर ऑर्बिटल बन गया। इसका मैं नाम दूंगा सिग्मा 1s 1s, और इसका दूंगा सिग्मा स्टार 1s 1s। पक्का? बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में किसकी एनर्जी कम होगी? इसकी, और यहां क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ऊपर वाली एनर्जी ज्यादा होगी, तो इसको मैंने ऊपर बना भी दिया है। पक्का? अब आप ये बताइए कि कितने इलेक्ट्रॉन है? दो। हुंस रूल को फॉलो करेंगे, पाउली रूल्स को फॉलो करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिलअप करते वक्त कौन सा रूल लग रहा है, हुंस या पाउली? कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन भरते वक्त आप पावली रूल लगाओगे, हुंस तो लग ही नहीं रहा है यहां पर, छोड़ो। दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, ये है पावली रूल। क्या दो से ज्यादा है? नहीं। और दो जो आएंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, सेम डायरेक्शन में आते ही ये कौन सा रूल तोड़ देते हैं आप? पावली। तो पावली ये कहता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन में। बस सिंपल सा रूल है, कोई ज्यादा खास टफ नहीं है। हाँ या ना? बोलो यस और नो। पक्का? तो ये आपके लिए एच टू मॉलिक्यूल हो गया। सेकेंड, इसी के अंदर अगर आपसे कहा जाता फॉर्मेशन ऑफ एच टू, इसी के अंदर रहता सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ एच टू प्लस,
एक जगह प्लस ले लेते और एक हम ले लेते फॉर्मेशन ऑफ H2-, तो हम कैसे देखते हैं, यहां एक इलेक्ट्रॉन कम है, यहां एक इलेक्ट्रॉन और ज्यादा हो जाता, तो हमारे पास वही चलता, एटॉमिक ऑर्बिटल है, आप बताइए, यहां पर 1s है, ये सब हमारे लिए एटॉमिक ऑर्बिटल है, यहां कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे H2+ में, सिर्फ एक ही रह जाएगा, और यहां कितने आएंगे, तीन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, ऊपर जाएगा। ये बात किसने कहा, हुंस ने और पाउली ने, दोनों ने मिलके कहा यहां, तो ठीक है, कोई डाउट नहीं है। वैसे मेरे लिए यहां पर पाउली ही मेन है अभी तक, तो एग्जैक्ट हुन कहां लगेगा वो बहुत बाद में आके लगेगा, अभी आप शांति से समझते जाओ। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है यहां पर, एक के पास एक भी नहीं है, एक के पास एक है, एक के पास दो हैं और एक के पास एक है, तीन H2-, टोटल मिला के ये हमारे पास आ जाएगा। H2- किससे बना होगा, H एंड H-, और ये किस में बना होगा, H+ और H के बीच में, और ये किससे बना होगा, H और H के बीच में। इसको हम कैसे लिखेंगे, मॉलिकुलर और इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल, सिग्मा 1s 1s, कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, यहां क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s 1s, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, यहां क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s 1s, कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, फिर सिग्मा स्टार 1s 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। ये इसका है मॉलिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, पक्का। आपने ये भरना सीख लिया, अगर हीलियम होता एच ही हो जाता या H2- हो जाता तो आप कैसे सोचते, फॉर्मेशन ऑफ दो तरह से मैं बात कर रहा हूं, एक ले रहा हूं HE2 और या आप बात कर सकते हो H2-2। अंतर क्या है और सिमिलरिटी क्या है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन सेम है, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं आती। कौन से नंबर का हो गया ये, फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये था फोर्थ हो गया। तो कैसे फिलअप करेंगे आप, कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, तो चार, ये है अभी तक एटॉमिक ऑर्बिटल, टोटल चार इलेक्ट्रॉन भरने, सही है, तो हमारे पास टोटल चार्ज इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये हमारे पास आ रहा है पॉइंट, बहुत अच्छा। और यहां हमारे पास ये सिग्मा 1s 1s और ये सिग्मा स्टार 1s 1s, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिग्मा 1s 1s 2, सिग्मा स्टार 1s 1s 2, दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में और दो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में है, कोई डाउट नहीं है। एक और पॉइंट आपका इंतजार कर रहा है, इस तरह से आप कंटिन्यू आगे चलते जाएंगे पूरे स्पीशीज के लिए, कोई डाउट नहीं है यहां तक। तो हमारे पास अब ऐसे ही हमें आगे भी बनाना है H2 और भी आगे हम ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं आपके कहने पर, फॉर्मेशन
फॉर्मेशन ऑफ डायटॉमिक लेना है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम ले लेते हैं Li2। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं Li में? 6। तो ये यहां 6 होंगे तो ऐसे चलेंगे, 1s2 1s2 2s 2s2 2s2। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है हाइड्रोजन, सॉरी बिल्कुल सही कह रहे हैं, 1 1 पक्का। तो टोटल कितने हो गए लिथियम में? ये लिथियम में, ये लिथियम में, अभी एटम में। अब आप क्या करने जा रहे हो? मॉलिक्यूल बनाने जा रहे हो। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं जल्दी बताओ? 2 और 1 3, 3 2 6। देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां गया, सेकेंड यहां गया, थर्ड यहां गया, फोर्थ यहां गया, फाइव यहां गया, सिक्स यहां गया। इसके नाम क्या है? पहले नाम भी रख लो आप। इसका नाम है सिग्मा 1s 1s, सिग्मा स्टार 1s 1s, सिग्मा 2s 2s, सिग्मा स्टार 2s 2s। खाली है तो उसका क्या नाम रखना है जो खाली पड़ा हुआ है? पक्का? तो यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपके टोटल कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो मॉलिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? मॉलिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप ही बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। सिग्मा 1s 1s 2, सिग्मा 2s 2s 2, सिग्मा सॉरी सिग्मा 1s 1s स्टार 2, सिग्मा 2s 2s 2। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। बोलो यस और नो। एक और कंसेप्ट आपका इंतजार कर रहा है, 9th नंबर का छोटा सा कंसेप्ट से ऐसे ही हमें आगे जाते रहना है, जो हमें पहले ही लिखना था लेकिन नहीं लिखा। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर बाय एमओटी थ्योरी। यानी बॉन्ड ऑर्डर को हम कैसे लिखेंगे? बीओ इज इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। डिवाइडेड बाय 2। चलिए यहां पर बॉन्ड ऑर्डर निकालो, जो सामने बॉन्ड लिखा हुआ है। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, 0। बॉन्ड ऑर्डर कितना है यहां पर? 0। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग, हाँ या ना? यहां बॉन्ड ऑर्डर बताइए जल्दी से, कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है? 2 और 2 4, सही है। तो 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ? 2 बाय 2 1। बस इसे बॉन्ड ऑर्डर का पता चल जाता है। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। समझ में आ रही है बात? अच्छा एक और पॉइंट है, 10 बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती है, बॉन्ड एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा होती है, लेकिन बॉन्ड लेंथ उतनी ही क्या होती है? कम है। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा, एक दूसरे को जितना ज्यादा आप बॉन्ड से पकड़ते जाओगे नजदीकी उतनी क्या होती जाएगी? कम। यानी बॉन्ड लेंथ कम होती चली जाएगी, एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस उतनी क्या होती जाएगी? कम। ज्यादा अच्छा है डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स को ही हम यहां पर क्या कह रहे हैं? बॉन्ड लेंथ। और वो बॉन्ड ऑर्डर बनने के साथ ही क्या होता ही चाहिए?
बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने के साथ ही बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी? कम। सही है। तो आपने बॉन्ड ऑर्डर अच्छे से पढ़ लिया, मॉलिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खींचना सीख लिया आपने, समझ में आ रही है बात? डायटॉमिक स्पीशीज को बनाना सीख लिया आपने, एच टू दिस। होमो आपने अभी क्या लिया है? होमो न्यूक्लियाई, हिटो नहीं लिया है आपने, कुछ दिक्कत आ रही है? देखो दोस्तों, हम स्टार्ट कर चुके हैं और वो है एमओटी थ्योरी, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने ये ऑर्बिटल डायग्राम्स, मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना सीख लिया, सही है। इसी को हम और आगे लेके जा रहे हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए। हमारे होमोन्यूक्ली मॉलिक्यूल जो डाईएटॉमिक है उनके लिए हम बात कर रहे हैं। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसके लिए? Li2 के लिए मैं बात कर चुका था, लेकिन अब मैं आगे जा रहा हूं उनके लिए जिनके लिए जेड की वैल्यू 14 या 14 से कम होती है, की पॉइंट के रूप में लिखेंगे आप। हाँ, जेड जेड की वैल्यू यानी कि न्यूक्लियर चार्ज जो हो रहा है उसकी वैल्यू हमारे लिए 14 या 14 से कम होती है, वहां एक तरह से देखा जाए जेड इफेक्टिव इज लेस फॉर इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड सो दैट मिक्सिंग ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल इज पॉसिबल एंड रिजल्टेंट जनरेटेड सिग्मा बॉन्ड बाय पीपी, जो पीपी से सिग्मा बॉन्ड बनेगा इज लेस इफेक्टिव एज कंपेयर पाई पीपी बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ पी ऑर्बिटल सिग्मा पी ऑर्बिटल ऑलरेडी शेयर्ड विद सिग्मा एस एस, यानी जो सिग्मा एस एस है उसमें पी चला गया है और उसकी वजह से पी सिग्मा पीपी की का इफेक्टिवनेस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। भाई मैं बहुत पैसे वाला हूँ लेकिन मेरा पैसा कहीं और जगह इंगेज है, तो मेरा पैसा कहाँ गया? अब मैं किसी को, कोई मेरे से पैसे मांगना चाहता है तो मैं उसे दे पाऊंगा क्या? नहीं। वही हाल कुछ इसका हो रहा है कि पीपी के पास बहुत पैसा था, बहुत अच्छा बॉन्ड बनाना चाहता था सिग्मा वाला, लेकिन इसका पी इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसी और के साथ इंगेज है, तब वो कम बॉन्ड स्ट्रांग बनाएगा तो कौन इफेक्टिव हो जाएगा? पाई। तो पाई की एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो पाई की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो एनर्जी ऑर्डर क्या रहेगा? एनर्जी ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे कम किसका होगा? सिग्मा वन एस वन एस, फिर उससे बाद सिग्मा स्टार वन एस, फिर उसके बाद सिग्मा टू एस, फिर सिग्मा स्टार टू एस। यहां तक तो पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसके बाद पी आना चाहिए था, पीपी, उसकी जगह कौन आ रहा है? पाई पीपी, पाई पीएक्स पीएक्स और पाई पी वाई बराबर है, ये मानते हुए कि जेड पर सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। तो जेड पे अगर सिग्मा बॉन्ड बना है तो उसके बाद सिग्मा पीएक्स पी पी जेड पी जेड। कोई दिक्कत आपको समझने में? और अगर आपने एक्स
पे सिग्मा बॉन्ड बना दिया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जेड जेड वाई वाई, ये हमारे पास एनर्जी क्लाउड रहेगा, कोई डाउट नहीं है। तो यहां से हम इलेक्ट्रॉन फिल अप करते जाएंगे, किसी भी ऑर्बिटल में दो से ज्यादा नहीं भरेंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में भरे जाएंगे। ये कहलाता है पाउलीज रूल कि दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, यहां से लेके यहां तक पूरा लिखना है आपको, ठीक है, विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझा रहा हूं मैं आपको, एग्जाम्पल आप कौन सा लेना चाहोगे, एग्जाम्पल आप N2 लेना चाहोगे, N2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 14 प्लस 14 कितने हुए, सात, नहीं टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 7, 7 प्लस 7 कितने हुए, पक्का, तो 14 हो गए, तो 14 इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करो, सिग्मा 1s 1s कितने आ जाएंगे, 2, सिग्मा स्टार 1s 1s कितने आ जाएंगे, 2, फिर सिग्मा 2s 2s कितने आ जाएंगे, 2, सिग्मा 2s 2s स्टार कितने आएंगे, 2, कितने हो गए टोटल, 8, कितने और भरने हमें, 6 भरने, तो 6 भरने हैं ना, भरना शुरू कर दो, तो कैसे होंगे, यहां पर यहां तक 8 आ चुके हैं, पी एक्स पी एक्स और पाई पी वाई पी वाई, बताओ इन दोनों की एनर्जी सेम है या नहीं है, है? हमें कितने और बढ़ने हैं अभी, 6 बढ़ने हैं ना, तो पहला वाला यहां जाएगा और फिर यहां जाएगा दूसरा, फिर यहां, ये जो कहना है कि अगर दो ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर हो तो एक एक देना चाहिए दोनों को, ये किसने कहा, हुंडे ने, ऑर्बिटल की अगर एनर्जी बराबर हो तो दोनों को एक एक देना चाहिए, ये कहा हुंड ने, और दूसरा इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ये कहा पाउली ने, तो ये दूसरा आया दूसरा आ गया, ऐसे घर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे बढ़ते हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, 12, कितने और बाकी हैं, 2, तो बचेगा कौन, सिग्मा पी जेड पी जेड, 2, क्या अभी भी इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं क्या, बस, तो फिर अपन देखते हैं, अभी तो अपन को 14 से कम के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एनर्जी डायग्राम और आगे भी जाएगा भी, तो क्या आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया, इस एग्जाम्पल को हमने ऐसे लिखा, बिल्कुल सही है, समझ में आ रही है बात, लेकिन इस एग्जाम्पल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, कैसे, देखो ध्यान से, ठीक है, देखो एक मिनट, हम ऐसे भी लिख सकते थे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल, बीच वाले मॉलिकुलर ऑर्बिटल होंगे, ये पी के कितने एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, 3, मॉलिकुलर ऑर्बिटल 2 पहले आएंगे फिर 1 आएगा, तीन ऑर्बिटल, फिर हमारे पास और भी ऑर्बिटल है, ये हमारे पास 6 हो गए, इसका नाम क्या है, सिग्मा 1s 1s, इसका नाम क्या है, सिग्मा स्टार 1s 1s, इसका सिग्मा 2s 2s, सिग्मा स्टार 2s 2s, पाई पाई px px, पाई py py, और ये नाम है इसका सिग्मा PZ PZ, इसका नाम क्या है, पाई स्टार, क्या नाम है इसका, PX PX, PY PY, सिग्मा PZ PZ। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन है एटम में, जैसे N की बात करें,
नाइट्रोजन में कितने होते हैं? सात, 1 2 3 4 5 6 7। दूसरे नाइट्रोजन में कितने हैं? सात, 1 2 3 4 5 6 7। सही है, दोनों में कितने हैं? सात सात। तब आप देखिए, एक मिनट, ये तो है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी है एटॉमिक ऑर्बिटल, और मॉलिकुलर ऑर्बिटल में जब N2 बन चुका होगा, यानी यहां नाइट्रोजन एटम है, यहां नाइट्रोजन एटम है, और ये क्या है? N2 मॉलिक्यूल। तो जब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बन चुका है, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनते ही कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? जल्दी से बोलो, 14। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ। पहली बार हुंड का रूल लगाया, हुंड्स रूल, 10th, पहली बार। 11, 12, 13, 14, 14 हो गए, ये हमारे पास N2 है। अब बताइए बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा इसका? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाय 2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 माइनस, और एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 4 डिवाइडेड बाय 2, 6 बाय 2 3। बॉन्ड ऑर्डर, हाँ ऐसे कैसे काट सकते हैं, क्योंकि ये कट जाएगा, ये कट जाएगा इससे, ये इससे कट जाएगा, बाकी के बचे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6, पक्का माइनस करते वक्त। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया आपके पास? 3। बॉन्ड ऑर्डर आने के बाद हम एक और पॉइंट बोलेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? 0। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो म्यू की वैल्यू क्या होती है? एन एन प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन, तो वो वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो ये पैरा मैग्नेटिक होगा या डाई मैग्नेटिक? डाई मैग्नेटिक। सब बताएगा, यही सही बताएगा, बाकी सब गलत बताते हैं। ठीक है, हुंड्स रूल तो यहां से लगेगा, और पाउली रूल तो पहला इलेक्ट्रॉन भरा, दूसरा इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में भरना है, वही पाउली हो गया। तो पाउली पहली बार कहां लगेगा? दूसरा इलेक्ट्रॉन भरते वक्त। और हुंड का रूल कहां लगेगा पहली बार? 2 2 4 2 6 7 8 9, 10वां इलेक्ट्रॉन भरते वक्त। क्यों? क्योंकि वो 10वां 10th इलेक्ट्रॉन आपको यहां भरना है या यहां भरना है, ये किसने बताया? दोनों की एनर्जी सेम है, वहीं लगता है। जब तक एनर्जी सेम नहीं है तब तक तो कम एनर्जी वाले में भरते जाइए आप, लेकिन जब दोनों की सेम है तो एक में दो ना भर के एक एक दीजिए, ये हुंड का रूल है। तो ये आपको अच्छे से लिखना है फास्ट, हाँ बस ये दोनों में एक एक भरना चाहिए, ये हुंड रूल है। चलिए नेक्स्ट, हमने ये करा, लेकिन अगर जेड की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो क्या होगा? सेकंड केस, केस सेकंड, इफ जेड इज वेरी हाई देन 14। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें जेड की वैल्यू 14 से ज्यादा होगी। यहां जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जेड रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल प्रोटॉन इन मॉलिक्यूल्स। अगर जेड की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि एस ऑर्बिटल स्पेरिकल होते हैं, न्यूक्लियस के ज्यादा पास होते हैं, बिकॉज एस ऑर्बिटल आर क्लोज टू न्यूक्लियस एंड सो दैट द एनर्जी डिफरेंस
इन बिटवीन एस एंड पी ऑर्बिटल इज वेरी हाई एंड एनर्जी डिफरेंस एस एंड पी इज वेरी हाई. क्योंकि एस की एनर्जी क्यों ज्यादा हो गई, क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है और जेड की वैल्यू बहुत ज्यादा है. एंड एस पी मिक्सिंग नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. तो एस पी मिक्सिंग पॉसिबल नहीं होगी. एंड फाइनली सिग्मा पी पी इज स्ट्रॉन्गर देन पाई पीपी. तो पाई पीपी से बहुत ज्यादा हो जाएगा. अब ठीक है, ज्यादा हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है. तो ऑर्डर क्या रहेगा, एनर्जी ऑर्डर शुरू के फोर ऑर्बिटल तो सेम ही रहते हैं, 1s 1s सिग्मा स्टार 1s 1s, ये सब मॉलिकुलर ऑर्बिटल है. सिग्मा 2s 2s सिग्मा स्टार 2s 2s, ये तो सेम ही रहता है. इसके बाद जो पाई आता था वापस क्या आएगा, सिग्मा पी एक्स पी जेड पी जेड पाई पी एक्स पाई पी वाई इसके बाद आपके पास हो जाएगा बिल्कुल वैसे ही चलेगा पाई पी एक्स स्टार पी एक्स. और इसकी एनर्जी किसके बराबर होगी, पाई स्टार पी वाई और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी इनमें, सिग्मा पी जेड स्टार. ये हमारे पास रहेगा. तो अगर हमें O2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, किसका, O2 का, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 16. तो 16 भरना शुरू कर दो. सिग्मा 1s 1s शुरू के 8 तो भर ही दीजिए आप. सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s 1s सिग्मा 2s 2s सिग्मा स्टार 2s 2s. कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको यहां तक, दो दो चार दो छः दो आठ, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन. तो बिना देखे रख लो, अब कितने बच रहे हैं, 8. तो अगला कौन आएगा, सिग्मा पी जेड पी जेड. कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, दो. फिर कौन आएगा, पाई पी एक्स दो. और कौन आएगा, पाई पी वाई एक एक करके भरना है, लेकिन लेकिन भरना कितना है, दो. फिर कौन आएगा, अब हमारे पास यहां तक भी आ गया, सिग्मा पी जेड पी जेड ये सब तो भर ही चुके. अब कौन आएगा, पाई स्टार पी एक्स पाई स्टार पी वाई दोनों की एनर्जी बराबर है. तो दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक एक, क्योंकि दो ही इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, हाँ या ना. तो टोटल 16 हुए या नहीं हुए, 2 प्लस 2 2 4 6 8 10 12 13 14 15 16, बिल्कुल सही है. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो. पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, बिल्कुल यहां पता चल गया पैरामैग्नेटिक है और वास्तव में होती भी पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो. लेकिन बुक्स को आदत है हर चीज को थोड़ा टफ करके समझाने की, तो वो डायग्राम बना के समझाएगी, मैं भी डायग्राम बना के समझाऊंगा. तो इसको एनर्जी डायग्राम से कैसे समझाया जाएगा, देखो आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना,
छोटा सा डायग्राम बनाया करो, ऐसे हाथ चलना चाहिए आपका। अंतर ये है कि अब आपके पहले एक आएगा, फिर दो आएंगे, फिर दो आएंगे, फिर एक आएगा, ठीक है। ये आपके पास O2 के लिए मैं बना रहा हूं। तो O2 के अंदर टोटल कितने, O के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और दूसरे ऑक्सीजन में भी 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सही है। ये दूसरा ऑर्बिट। अब हमारे लिए क्या हो गया, मॉलिक्यूल देख रहे हैं हम, O2 मॉलिक्यूल। तो कितने हो गए? 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वापिस देख लीजिए, इससे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं? 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। ये सब क्या है? ये सिग्मा सिग्मा स्टार, सिग्मा सिग्मा स्टार, सिग्मा पाई 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 स्टार, आ गया समझ में? तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 10। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने दिखाई दे रहे हैं? एंटी बॉन्डिंग 2, 2, 4, 5, 6। इंडिविजुअली कुछ भी पूछा जा सकता है इनमें से। बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 10 - 6/2, 4/2, 2। डायपोल मोमेंट म्यू की वैल्यू क्या है? आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, एन एन प्लस टू बोर मैग्नेटोन। तो 2 × 4√8, अंडर रूट 8 की वैल्यू 2.9 बोर मैग्नेटोन, सही है। तो ये हमारे पास हो गया O2 मॉलिक्यूल कंप्लीट। कहां पर बेटा? यहां, हाँ सिग्मा ही तो है ये, ये सिग्मा, ये पाई पाई, ये पाई, ये पाई, पाई स्टार, पाई स्टार, एंटी बॉन्डिंग है इसलिए पाई स्टार, पाई स्टार, आ गई बात समझ में? आप चाहे ऐसे फिलअप करो, आप चाहे ऐसे करो, मुझे ये अच्छा लगता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। हमने बहुत अच्छे से एमओटी पढ़ी है, लेकिन हमारा काम है बहुत फास्ट कैसे करें, उस बच्चे को जिसने एमओटी बिल्कुल नहीं जानता वो भी कैसे करे एमओटी को, तो उसके लिए भी हमने कुछ सोचा है। तो एक टेबल बना रहे हैं हम, तो आपको उस टेबल में क्या लिखना है, इस तरह से सबसे पहले लिखना है टोटल इलेक्ट्रॉन, क्या लिखना है? टोटल इलेक्ट्रॉन। तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास चलेंगे, सही है। फिर टोटल इलेक्ट्रॉन के बाद आपको उसके एग्जाम्पल लिखने, आपको डायरेक्ट क्या चाहिए? बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर लिख दो आप। फिर आपको क्या चाहिए बॉन्ड ऑर्डर के बाद, जल्दी से बोले? मैग्नेटिक नेचर, हाँ मैग्नेटिक नेचर, और क्या चाहिए आपको, आप ही बताइए, बस इतना सा चाहिए आपको, और कोई ज्यादा खास चाहिए नहीं, तो आपका काम चल जाएगा। यस और नो? तो मेरा यहां पर आपको ये पूरी टेबल लिखाने के पीछे यही है कि कैसे आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो यहां सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अगर मैं ऐसे लेता हूं तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मेरे को, मैं स्टार्ट करता हूं
एट से, जिसमें एट इलेक्ट्रॉन है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए। ये हमने टेबल बनानी शुरू कर दी है। थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, आप नंबरिंग मत डालना, भी रुकना, गलती हो रही है नंबरिंग। तो वन टू ही डालना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, कोई दिक्कत नहीं है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सीरियल नंबर है आपके, गुरु मंत्र एडिट होता है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको काटना मत, मैं तेरे को बता रहा हूँ काटना मत, सब हो जाएगा सही। ट्रिक कैसे बनती है देखो भाई, हम ये टेबल बना के वो ये बताना चाहते हैं कि वो बच्चे जिन्होंने एमओटी नहीं किया है, नहीं आता तो भी कुछ तो करके आए। तो एक तरफ टोटल इलेक्ट्रॉन है, यहाँ सीरियल नंबर है हमारे लिए, तो ये जो सीरियल नंबर है हमारे पास 1, 2, 3, अब आप देखिए कि टोटल इलेक्ट्रॉन हम क्या लेना चाहते हैं, कहाँ से लेना चाहते हैं, हम हमारे पास जाना चाहते हैं 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, यानी बस यहां से हम लेना चाहते हैं। आप 8 भी करना चाहें कर सकते हैं, और भी कम इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कोई भी एक ऐसी स्पीशीज बता दो जिसमें 9 इलेक्ट्रॉन हो। 9, आप जानते हो Li लिथियम में कितने होते हैं, 3, 6, बेरिलियम से चाहो बेरिलियम 2, Be2 कितने होते हैं Be में, 4, 4 2 8, माइनस लगा दो। अच्छा 10 के लिए क्या लोगे आप, बोरोन 2, बोरोन 2 माइनस, 12 किसमें होते हैं C2, यहां पर C2 प्लस भी लिख सकते हो और यहां पर C2 माइनस भी लिख सकते हो, 14 N2, N2 प्लस, N2 माइनस, O2, O2 प्लस, O2 माइनस, F2, F2 प्लस, F2 माइनस, और यहाँ जीनोन, यहाँ पर क्या होगा नियोन, Ne2, भले ही नहीं बने हम लिख तो सकते हैं, नहीं बनेगा इसकी भी जानकारी यही देगा, या F2-2, तो ये हमारे पास होते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालना कितना आसान है, सुनना मेरी बात, आपका हीरो कौन है, नाइट्रोजन, बॉन्ड ऑर्डर 3 लिख दो सीधा बिना दिमाग लगाए, कितना 3, पक्का, जिस ये आपके लिए हीरो है, N2 हीरो, हीरो मूवी का हीरो आपका, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3, इससे ज्यादा किसी का नहीं होगा एमओटी के थ्रू। तो अब ऊपर भी जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा कम, और नीचे जाएंगे तो भी क्या होगा कम, तो बताइए कितना कम करना है, 0.5, 0.5, 1.5, 1, जो भी है, हाँ 0.5, इधर देखिए 2, 1.5, 1.5, पक्का कोई दिक्कत नहीं है। एक वर्ड याद रख लो मेरा, और उसका नाम है बॉस, बॉस B2 O2 S2 R पैरामैग्नेटिक, एंड बॉन्ड
बॉन्ड ऑर्डर इज फ्रैक्शनल, यानी बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल किसमें होगा, जिसमें भी ऑड इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर ऑड। आर पैरामैग्नेटिक। अब बोलो कितना आसान है बॉस। बी टू कहां दिख रहा है, बी टू बताइए, बी टू कैसा होगा, जल्दी से बोलो, पेरा या डाई। पेरा, ऑक्सीजन ओ टू, ओ टू कहां है, यहां पर, ये भी क्या होगा, पेरा, बी टू पेरा, पेरा। सल्फर है नहीं स्टेबल में, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कौन होंगे, पेरा, जिसमें भी ऑड इलेक्ट्रॉन है या बॉन्ड ऑर्डर क्या है, फ्रैक्शनल है। देखो ये रहा, इन सब जिसमें भी ऑड इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, जैसे 9, 11, 13, उनके बॉन्ड ऑर्डर आपको हमेशा क्या दिखेंगे, फ्रैक्शनल। तो जल्दी से बोलो ये भी क्या होंगे, पेरा, पेरा, पेरा। हाँ तो ये ऑड वाले पेरा हो गए ना। अरे कहाँ डाला, बॉस है वो तो पेरा है ही, एंड लगाया, देखो बॉस के अलावा, ठीक है ना, एंड। तो बी टू पेरा, 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 पेरा। अब जहां बच गया वो क्या रहेंगे, डाई मैग्नेटिक, डाई, डाई मैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक, ये तो बनता ही नहीं है, अनस्टेबल है, नॉट प्रेजेंट। तो कहीं कोई दिक्कत आ रही है क्या आपको समझने में, नहीं है ना। बॉन्ड ऑर्डर निकालना आसान हो गया, बोलो यस और नो। आपने सिर्फ इतना पढ़ा है, 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, ऊपर जाने पे 0.5 करना है और नीचे जाने पे भी 0.5 करना है। तो ये पूरी थ्योरी का एक सार हो गया। तो इसकी क्या लिमिटेशन है, क्या चीज नहीं बताई जा सकती इस थ्योरी से, ये नहीं बताया जा सकता कि बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग में एक्चुअल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उनका डिफरेंस बता सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो, मैग्नेटिक नेचर बता सकते हो, लेकिन कितने कितने इलेक्ट्रॉन है वो नहीं बता सकते। इसलिए दोनों आना चाहिए, मेन तो ये, इससे काम चल जाएगा आपका। हाँ या ना, टेबल समझ में आ गई। एक और की पॉइंट है आपके लिए यहां पर, इसी के साथ जगह जाएं, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। बार बार बताता हूं मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई डीमेरिट नहीं है, लिखो। देखिए दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पैरामैग्नेटिक स्पीशीज, ओ टू, बी टू, एन टू। तो हमने पढ़ा है बॉस, नॉर्मल थ्योरी के लिए बॉस, तो इसका मतलब हमारे लिए इसका आंसर क्या जाएगा, बॉस। पैरामैग्नेटिक पूछा है ना, बॉस, ए बी, सी टू एन टू नहीं है, पक्का। लेकिन यहां जब हम बात करते हैं तो ओ टू तो पैरामैग्नेटिक है, क्यों, क्योंकि इसमें तो एसपी मिक्सिंग होती ही नहीं है। लेकिन अब B2 में और C2 में होगी या नहीं होगी इसका पता कैसे चलेगा, इसके लिए हमें एनर्जी डायग्राम बनाना पड़ेगा, और सिर्फ ऊपर वाले ही बनाएंगे हम, नीचे वाले नहीं बनाएंगे। तो ये तीन और तीन छह ऑर्बिटल हमारे को बनाने, एक यहां रखेंगे क्योंकि मिक्सिंग पॉसिबल नहीं है, तो मिक्सिंग पॉसिबल नहीं होती तो ये एनर्जी डायग्राम एक, और फिर इस तरह से चलता है। समझ में आ गई बात, ये हमारे लिए मिक्सिंग पॉसिबल नहीं है, ध्यान से सुनना, ये इस तरह से चलेगा। अगर मिक्सिंग होती तो दो फिर एक फिर दो फिर एक, और मिक्सिंग नहीं है तो एक फिर दो फिर दो फिर एक। तो बताइए किसको पहले भरना है, O2 तो हमारे को मालूम है, B2 कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, 10, पक्का, 8 भर चुके, कितने और भरने हैं, दो। पेरा या डाई, डाई काट दो। C2 कितने इलेक्ट्रॉन है, 12, N2 कितने हैं, 14, खत्म। तो यानी कि ये हमारे लिए डाई मैग्नेटिक,
पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और ये पैरामैग्नेटिक। इस तरह से कर लो। तो नॉट पॉसिबल दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वो तो है लेकिन इसने खुद ने दे दिया कि होती ही नहीं है सपोज। तो क्या इसके आंसर जो एक्चुअल है वो आएंगे या हाइपोथेटिकल आएंगे? जब उसने कह दिया हाइपोथेटिकल केस दिया तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर निकालना है। हर एक के लिए एनर्जी डायग्राम यही बनाना है। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे नहीं बोला जाता था कि अगर हर ऑर्बिटल में दो की जगह तीन इलेक्ट्रॉन भरे जाएं तो बताओ इसके अंदर क्या होंगे, वैसा क्वेश्चन है। ठीक है ना? तो ये कंडीशन दे दी कि नॉट पॉसिबल है। तो यहां पर C2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 12 है। 8 तो नीचे भर चुके हैं, 9, 10, 11, 12, एक एक करके जाएंगे। 12 क्या है? दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पैरामैग्नेटिक। N2 के अंदर सब भर गए बस। तो वो जो O2 वाला एनर्जी का डायग्राम था ये वही अब हमारे को B2 के लिए और C2 के भी लिए लगाना पड़ेगा। O2 वाले के, हाँ वो तो हमारे लिए फिक्स है। C2 ऊपर वाले के लिए हमारे पास पता है क्या होगा? ये होगा, इस तरह से चलेगा। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 12। 8 भर चुके हैं, 9, 10, 11, 12। पैरामैग्नेटिक या डाई? डाई, डाया, बस खत्म। तो डाया है, डाया क्योंकि 14 है। पैरा, पैरा, समझ में आया? लिखें इसको। तो देखिए हम बात करने जा रहे दो और नई टॉम की जो एमओडी में बहुत काम की है। एक है हमारे पास होमो और एक है हमारे पास लूमो। होमो का मतलब हाईएस्ट, जो हाईएस्ट है या हायर बोल सकते हो आप, हायर ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटर। जबकि यहां हम क्या बोलेंगे यहां पर? लूमो, लो, लोवेस्ट या लोअर अनऑक्यूपाइड। मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ये दोनों हमारे लिए हो गया है। इसको समझने के लिए हमारे पास, हमें मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम देखना पड़ेगा। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है जो हमने 2p लिया। आगे देखिए, 2p लिया हमारे पास, आपको अच्छे से मालूम है कि मॉलिक्यूल एटॉमिक ऑर्बिटल किसमें कन्वर्ट होते हैं? मॉलिकुलर ऑर्बिटल। ये मैंने मॉलिकुलर ऑर्बिटल बना दिया, 2p 2p के साथ मिक्स हो रहा है। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखते जाओ, आपके पास यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, पक्का? कोई दिक्कत नहीं है या सुनो। तो अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन, या सुनो। और यहां हमारे लिए क्या हो जाएगा? 10। तो ऑक्सीजन के लिए ये वाली चीज क्या हो जाएगी? ये वाला ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, जिसका नाम क्या है? सिग्मा स्टार। इसको बोलेंगे हम लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, क्योंकि इसके ऊपर भी ऑर्बिटल होंगे मॉलिकुलर, तो अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल तो यही है। तो ये हो जाएगा लूमो, और ये हमारे लिए क्या हो जाएंगे? दोनों होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल। या सुनो, कुछ और अच्छे से एग्जाम्पल्स आप समझ सकते हो यहाँ पर। जैसे मैंने अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, जस्ट एक। अगर यही चीज मैं बोरोन के लिए लेता तो बोरोन के केस में आपके लिए क्या होता उसको देख लीजिएगा। बोरोन के केस में मैं सिर्फ सेंटर वाला बना रहा हूँ आपके लिए। बोरोन के केस में आपके पास क्या होता है? नीचे कितने होते हैं? दो। फिर क्या होता है? एक। फिर उसके ऊपर क्या होता है? अगेन दो, फिर एक। यहां इलेक्ट्रॉन आया, यहां तक कितने हो चुके हैं? ये हमारे लिए हो गया कार्बन। बोलो हाँ या ना? ये क्या हो गया? कार्बन। तो यहां हमारे लिए कार्बन, ये दोनों ऑर्बिटल हमारे लिए क्या हो जाएंगे बताइए? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? लोवेस्ट
अनऑक्युपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो हमारे लिए पॉइंट ये है कि हमें लूमो और हुमो की जरूरत क्या क्यों पड़ रही है, कैसे पड़ रही है, क्यों हम इनको टर्म्स को यूज कर रहे हैं। देखिए आप आगे जब भी जानेंगे आप कई बार ऐसे चीज देखने को मिलेंगे कि हमारे पास अगला बॉन्ड कहाँ बनने वाला है, तो हमारे पास है वो लूमो में। अगर कभी भी कोई आगे बॉन्ड बना या पेयरिंग हुई या इलेक्ट्रॉन्स आया तो वो किस ऑर्बिटल में आएगा, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में बोल दूंगा लूमो में। अब उस लूमो का नाम अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग ऑर्बिटल होगा। यहाँ कौन सा है, ये सिग्मा 2p 2p, सिग्मा स्टार 2p 2p। यहाँ लूमो का क्या काम है, कौन सा हो जाएगा ये, किस कौन सा केस है, C2। यहां कौन हो जाएगा लूमो, सिग्मा 2p 2p। ये क्या है, पाई पाई, ये पाई है। यहां सिग्मा 2p 2p, यहां सिग्मा स्टार 2p 2p है। दैट्स द लूमो एंड हुमो। कोई दिक्कत इसको समझने में? तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी हमारे लिए बहुत काम की है। हाँ तो देख लीजिए, वो तो नाम तो आपको मालूम ही है, नाम देना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सिग्मा पाई पाई 2p 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 2p, और ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा 2p 2p। बोलो यस और नो, क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? ये कुछ एग्जांपल है जो आपको देखना है। शुरू करते हैं आंसर्स। तो आप मुझे बताइए O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है, बॉन्ड ऑर्डर ही पूछ रहे हैं। O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2, O2 प्लस 2 या 2.5, 2.5 बिल्कुल सही है। आपको नाइट्रोजन की तरफ जा रहे हो, N2 की तरफ जा रहे हो, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। और O2 माइनस कितना हो जाएगा बॉन्ड, 1.5, और O2 माइनस 2, 1। समझ में आ गया, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके लिए अगर यहां देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, O2। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर कम होगा वैसे वैसे उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती जाएगी, कम। समझ में आ रहा है? इधर कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दिस, तो आंसर बताइए इसका जल्दी से। N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3। N2 प्लस का कितना होगा, जल्दी से बताओ, 2.5। N2 प्लस 2 का कितना होगा, 2। और CO का कितना हो जाएगा, CO भी N2 ही है, 3। कोई डाउट नहीं है, पक्का। कंपेयर बॉन्ड लेंथ ऑफ O2, O2 प्लस एंड O2 प्लस 2। O2 का बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ आप जानते, पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा फिर बॉन्ड लेंथ पे आप कमेंट करोगे। तो बॉन्ड बॉन्ड ऑर्डर O2 के लिए कितना हो जाएगा, 2। O2 के लिए, O2 प्लस के लिए अपन ने निकाला ही है, O2 प्लस के लिए 2.5 और O2 प्लस 2 के लिए 3। और हम जानते हैं बॉन्ड लेंथ प्रोपोर्शनल 1/ बॉन्ड ऑर्डर, तो यानी ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसका होगा बॉन्ड ऑर्डर, O2 प्लस 2, फिर O2 प्लस, और सबसे कम किसका रहेगा, O2। हाँ या ना, यही किया है आपने। अच्छा फाइंड मैग्नेटिक नेचर, O2 कैसा होता है बॉस, याद करो, पैरा मैग्नेटिक डाई मैग्नेटिक, पैरा पैरा मैग्नेटिक। O2 माइनस पैरा, बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में ऑड इलेक्ट्रॉन है तो ऑड इलेक्ट्रॉन वाले तो होते ही पैरा है, ठीक है। O2 प्लस पैरा, O2 माइनस 2 डाया। सही है, तो जल्दी से करें इनको। कुछ और एग्जांपल भी आप कर सकते हैं इससे रिलेटेड। फाइंड मैग्नेटिक नेचर, BeE2 फर्स्ट सेकेंड थर्ड C2 फोर्थ N2 फाइव O2 सिक्स F2 सेवन, कुछ भी ले लीजिए आप, HE2 भी बच रहा है और 8 Li2 भी बच रहा है,
पक्का? तो आप बताइए, अगर आपसे यहां पूछा जाए तो पेरा या डाई? डाया, पेरा, डाई, डाया, पारा, डाया, नॉट एग्जिस्ट। जब एग्जिस्ट होगा तो सोचेंगे। वैसे आंसर क्या होता अगर होता तो? डाया, डाया। अगर ऑप्शन में है तो फर्स्ट प्रायोरिटी नॉट एग्जिस्ट, सेकंड प्रायोरिटी डाया। एच ई टू हीलियम टू का बॉन्ड ऑर्डर जीरो है तो हाई उसको बनेगा क्या? नहीं बनेगा। जो बनेगा ही नहीं, जो पैदा ही नहीं होगा, उसका नाम क्या रखना? नॉट एग्जिस्ट। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो नॉट एग्जिस्ट ही जाएगी।